वेक्टर अलजेब्रा, तो ये वैसे तो सबने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा, स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं? जो मैग्नीट्यूड बताते हैं और दूसरे मैग्नीट्यूड और स्केलर, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे डिस्टेंस हम बोलते हैं 5 मीटर, तो वो 5 मीटर जो है आपका वो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसकी। सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। और वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, क्लियर। अब जैसे एक बार स्टार्टिंग से रिवाइज कराता हूं, जो आपने नाइन्थ में ही पढ़ा हुआ था, स्केलर में कौन कौन से आ जाएंगे? डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस जैसे हमने बोला 10 मीटर कवर किया है, 15 मीटर कवर किया, क्लियर। अगर हम उसके साथ डायरेक्शन भी जोड़ दें कि 15 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ हमने मूव किया है, तो वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। यानी हमने मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन ऐड कर दिया, तो वो आपका डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन, तो वो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, और वो कौन सी क्वांटिटी बन जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर। ऐसे ही स्पीड अगर हम बोल रहे हैं तो वो स्केलर क्वांटिटी में आती है, क्योंकि स्पीड में हम डायरेक्शन नहीं बताते, हम स्पीड बोल देते 15 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। अगर हम डायरेक्शन के साथ बताएं तो वो क्या बन जाएगी? वेलोसिटी, वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ऐसी और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसमें आएगी? आपकी स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन भी आपकी किसके ऊपर डिपेंड होती है? वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है। यहाँ स्केलर में और क्या हो सकता है? टाइम हो सकता है, वर्क भी आपका स्केलर है, वेट स्केलर नहीं है। वेट में डायरेक्शन होती है डाउनवर्ड, ठीक है। वेट आपका क्या है? फोर्स है, फोर्स आपकी स्केलर क्वांटिटी, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्लियर। तो वेट भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। और बताओ जो जो क्वांटिटी जानते हो दिमाग में, वर्क बता दिया, एनर्जी, एनर्जी भी आपकी स्केलर क्वांटिटी, पावर की बात कर रहे हैं तो पावर भी आपकी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। मोमेंटम आपकी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। यहां तक क्लियर बेटा? ठीक है नाउ, चलो अब देखो एक बार बेटा, क्लियर हो गया वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस? नाउ अब इसमें ध्यान से देखो बेटा, पेज 425 पे ये नोट डाउन कर लेना अभी, ठीक है। और मैग्नीट्यूड आपका हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, याद रखना, ठीक है। मैग्नीट्यूड आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, क्लियर। नाउ पोजीशन वेक्टर, अब ध्यान से देखो नेक्स्ट टॉपिक आपका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है? ऐसा वेक्टर जो उसकी पोजीशन शो कर रहा है। अब सपोज आपका जैसे 3 डायमेंशनल आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सपोज एक पॉइंट है यहां पे 1, 2, 3, ठीक है। अब हमें उसकी पोजीशन वेक्टर फॉर्म में बतानी है, तो हम क्या करेंगे? ऑरिजिन से उसका वेक्टर ले रहे हैं बेटा ये, क्लियर। ऑरिजिन पे क्या पॉइंट होता है? 0, 0, 0, ठीक है। तो इसको पोजीशन, इसको वेक्टर फॉर्म में बताना है हमें इस पॉइंट को, तो हम क्या लिखेंगे? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, यानी ये उसकी एक्स वाई जेड की वैल्यू हो गई। यानी कोई भी वेक्टर में लिखना है पोजीशन वेक्टर में, तो कैसे लिखना है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहां पे आपके आई जे के क्या है? यूनिट वेक्टर्स हैं एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। आई कैप जे कैप के कैप क्या है आपके? आई कैप है यूनिट वेक्टर इन एक्स एक्सिस, ठीक है। यानी आई कैप आपका एक्स एक्सिस को डिनोट कर रहा है, और जे कैप क्या है? यूनिट वेक्टर इन वाई एक्सिस, और जे कैप का के कैप क्या है आपका? यूनिट वेक्टर इन जेड एक्सिस, क्लियर। नाउ उसके बाद देखो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्या है? ध्यान से देखो, डायरेक्शन कोसाइन हमें कोई भी वेक्टर है वो हमेशा इस फॉर्म में होगा, ठीक है। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो अगर हमें डायमेंशन कोसाइन निकालना है तो हमें क्या करना है? एक तो पहले बेटा इसका मैग्नीट्यूड देखो, अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है किसी भी वेक्टर का, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आर वेक्टर से हमने डिनोट किया पोजीशन वेक्टर को,
ठीक है। अब अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें क्या करना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब जो भी उसकी एक्स वाई जेड की वैल्यू है स्क्वायर करके एड करना है और फिर होल रूट करना है, ठीक है। उससे हमारी क्या निकलेगा, मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो डायरेक्शन कोसाइन को हम एल एम और एन से डिनोट करते हैं, इससे एल एम एन और एन, एल है आपका एक्स बाय आर और एम है आपका वाई बाय आर और आपका जेड हो गया, सॉरी एल एम एन एन, एन हो गया आपका जेड बाय आर, ठीक है। इलेवेंथ में पढ़ चुके हैं साइंस वाले स्टूडेंट्स ये सारी चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या है कि आपका जो ये वेक्टर है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कौन कौन सा एंगल बना रहा है, क्लियर। अब ये चीज अल्फा है, बीटा, गामा, सपोज एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा, तो एल इक्वल्स टू क्या है, मतलब हमारा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इक्वल्स टू एक्स बाय आर हो गया आपका, कॉस बीटा इक्वल्स टू वाई बाय आर हो गया और कॉस गामा इक्वल्स टू जेड बाय आर हो गया। अगर आप एंगल भी निकालना चाहते हो तो एंगल भी आपका निकल जाएगा। और एल एम एन को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। अब देखो उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में देखो पेज नंबर 427 में, पहले तो यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसकी क्या होगी, जिसका मैग्नीट्यूड वन है, ठीक है, और डायरेक्शन जो भी उसकी हो नॉर्मली, ठीक है। सो अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर, और उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ए कैप से, मतलब जो भी वेक्टर है उसको हम, अब देखो नॉर्मल वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, ठीक है, वेक्टर को हम ऐसे डिनोट करते हैं, मतलब जो भी उसका वेरिएबल है ऊपर एरो मार्क कर देते हैं, ठीक है ना। अभी तक आपने नॉर्मल वेरिएबल देखे, नॉर्मल वेरिएबल कौन से होते हैं, हमेशा वो स्केलर, वेक्टर को कैसे मार्क करना है, अब हमें उसके ऊपर एरो बना देनी है, क्लियर। तो जिनके ऊपर एरो बनी है वो आपके वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब यूनिट वेक्टर को कैसे डिनोट करेंगे, अब यूनिट वेक्टर में क्या है, मैग्नीट्यूड वन है बट डायरेक्शन तो है, क्लियर, तो उसको हम ए कैप से डिनोट कर रहे हैं, इसको हम कैप रीड करते हैं बेटा, क्लियर ना। उसके बाद देखो को इनिशियल वेक्टर, नाम से ही क्लियर है, को इनिशियल, को इनिशियल का मतलब जिसकी जो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, इनिशियल पॉइंट सेम हो जिनका, को इनिशियल, क्लियर। टू और मोर वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। को लीनियर वेक्टर, को लीनियर का मतलब सेम लाइन, ठीक है, तो टू और मोर वेक्टर्स आर सेट टू बी कोलिनियर। अब यहां पर ध्यान से देखो, सेट टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन, ठीक है। अभी तक आपने कोलिनियर में यह पढ़ा है कि जो तीन पॉइंट सेम लाइन पे आते हैं, बट यहां पे कोलिनियर वेक्टर का मतलब है कि ऐसे वेक्टर जो सेम लाइन के पैरेलल हो, ठीक है। सपोज एक ये लाइन है, अब ये दोनों इसके पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में कोलिनियर कहे जाएंगे, यानी यहां पे अगर कोई वेक्टर्स पैरेलल भी हैं तो उन्हें भी हम कोलिनियर ही बोलेंगे, ठीक है। ये जैसे याद करो मैं आपको बताता हूं, सिंपली आपने लास्ट ईयर पढ़ा था स्ट्रेट लाइंस में, अगर दो लाइंस का स्लोप बराबर है तो आप उसको कोलिनियर लाइंस बोल सकते हो, ठीक है। अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल है तो उसे भी हम कोलिनियर लाइंस बोल सकते हैं, क्योंकि अगर उनका स्लोप बराबर है तो या तो वो पैरेलल होंगी या वो सेम लाइन पे ही होंगी, क्लियर, तो हम उसे कोलिनियर बोलते हैं, आया समझ में। अब कोलिनियर में एक चीज और देखो कि इनकी डायरेक्शन भी इवन अपोजिट हो सकती है तब भी वो कोलिनियर ही रहेगा, बस हमें क्या देखना है कि वो उस गिवन वेक्टर के पैरेलल है या नहीं है। अगर दो वेक्टर आपके पैरेलल हो, डायरेक्शन चाहे अपोजिट हो, उससे इफेक्ट नहीं है, ठीक है, आप उसको कोलिनियर वेक्टर बोलोगे, क्लियर। यानी अगर हम बोले ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर है मतलब, तो ये भी दोनों आपस में कोलिनियर होंगे, ठीक है, उसका नेगेटिव भी उसके कोलिनियर होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इक्वल वेक्टर्स, अब वेक्टर्स को इक्वल कब बोलोगे आप, अब देखो वेक्टर्स का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन, तो वेक्टर इक्वल कब होंगे, जब मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी इक्वल हो, यानी सेम हो, क्लियर, तभी दो वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन सेम हो, क्लियर। अब डायरेक्शन यहां पे अपोजिट नहीं हो सकती, ठीक है, जब दोनों चीज हमें इक्वल मिलेंगी तभी हम बोल सकते हैं कि वो दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं,
नाउ नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर तो समझ में आ गया, जैसे सपोज यही वेक्टर है आपका, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, तीनों के साइन चेंज कर दो, क्लियर, तीनों के साइन चेंज कर दो तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर आपका बन जाएगा। और अगर भाई ज्योमेट्री आपको दिखाने की, सपोज ए वेक्टर ये आपका, अब इसका नेगेटिव बनाना, इट मींस इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट हो जाएगी, तो ये माइनस ए वेक्टर बन गया आपका, क्लियर। नाउ अब एग्जांपल वन देखो बेटा, एग्जांपल वन तो क्या नहीं करना, ये रिप्रेजेंट ग्राफिकल या डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, ये रिप्रेजेंट करने वाले क्वेश्चन क्या नहीं आएंगे आपसे। नाउ एग्जांपल टू, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर एंड वेक्टर, तो इसमें फर्स्ट पार्ट है देखो 5 सेकंड, तो ये स्केलर होगा वेक्टर होगा, स्केलर होगा क्योंकि डायरेक्शन नहीं है, सेकंड 1000 सेंटीमीटर क्यूब, स्केलर, थर्ड 10 न्यूटन, न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की, ठीक है, न्यूटन किसकी यूनिट है, तो याद करो फोर्स की, ठीक है, तो फोर्स हमारा किसमें आ रहा है, वेक्टर में, क्लियर, तो वेक्टर क्वांटिटी हो गई है। नाउ 30 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है, डायरेक्शन नहीं है इसमें, तो ये स्केलर है, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी की भी डायरेक्शन नहीं होती बेटा, तो ये स्केलर है, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स नॉर्थ, अब यहां पे आपके पास डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन है तो वेक्टर है ये, क्लियर बेटा। नाउ उसके बाद एग्जांपल 3, इन फिगर 10.5 विच ऑफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर, इनमें कोलिनियर मतलब जो सेम डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ध्यान से देखो ए और सी, और साथ में सी के अपोजिट कौन जा रहा है, डी, तो ए सी और डी तीनों ही आपके क्या है, कोलिनियर होंगे, ठीक है, ए सी एंड डी। नाउ इक्वल वेक्टर्स कौन से हैं, अब ए और सी की डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी आपको ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है वहां पे, देखो क्लियर, तो ए एंड सी इक्वल वेक्टर्स हो गए, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी, क्लियर। नाउ थर्ड को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल जो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो बी सी और डी को ध्यान से देखो, तीनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं बट तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। नाउ उसके बाद एक्सरसाइज 10.1 फटाफट बेटा, क्वेश्चन वन नहीं करना अगेन, क्वेश्चन टू, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स, सो 10 kg, केजी क्या है, मास, मास स्केलर है, ठीक है, वेट होता है तो वेट आपका वेक्टर है, वेट की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, याद रखना, क्लियर, ये नॉर्मल वेट नहीं है आपका कि आप अपना जो वेट मेजर करते हैं वो आप मास ही मेजर करते हैं, ठीक है, मास के यूनिट केजी है, वेट की यूनिट न्यूटन है, 10 ग्राम दे रखो, सिर्फ सेंटीमीटर क्यूब नहीं दे रखा, तो वो क्या होगा, 10 ग्राम, ग्राम किसकी यूनिट है, मास की, तो मास हमें देखना है, ठीक है, यूनिट्स मत देखो, ये देखो कि वो किसकी यूनिट्स हैं, ठीक है, अपने आप पॉइंट क्लियर हो जाएगा, क्लियर। अब जैसे न्यूटन है तो न्यूटन मीन्स फोर्स, तो फोर्स देखा आपने, अब ये थोड़ा ना सोचना कि वेट हमें दिया या फोर्स दिया कुछ भी, ठीक है। नाउ बी पार्ट सेकंड, 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, तो इसमें डायरेक्शन गिवन है, तो सिंपल वेक्टर है, 40 डिग्री क्या, एंगल, एंगल में कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो ये स्केलर है बेटा, एंगल आपका स्केलर है, ठीक है। फोर्थ 40 वॉट, वॉट किसकी यूनिट है, पावर की, और पावर किसमें आपका, स्केलर में, ठीक है, क्योंकि इसमें भी कोई डायरेक्शन आपकी नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट बताओ स्केलर है या वेक्टर है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है बट फिर भी स्केलर है वो, क्लियर, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिक करंट का सम करते हैं तो हमें नॉर्मल एल्जेब्रिक सम करना पड़ता है, ठीक है, कि इधर से मान लो 2 एम्पियर करंट आ रही है, उधर से 5 एम्पियर करंट आ रही है, और दोनों तारों को आपने जोड़ दिया तो फाइनली 7 एम्पियर करंट आपकी जाएगी इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक करंट हम स्केलर लेते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, आगे कभी भी आ सकती है ऐसी चीजें। ना उसके बाद 10^-19 कूलम, कूलम किसकी यूनिट होती है, कूलम चार्ज की, तो चार्ज की ऐसा यूनिट है, तो चार्ज क्या होगा, स्केलर होगा वेक्टर होगा, चार्ज भी आपका स्केलर है क्योंकि डायरेक्शन नहीं है चार्ज की, ठीक है, चार्ज क्या यूनिट क्वांटिटी है, ठीक है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो चार्ज आपकी क्या है, स्केलर है। ना उसके बाद 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या है,
एक्सेलरेशन है ये, अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपकी किसकी यूनिट हो गई, एक्सेलरेशन की, तो ये क्या हो जाएगी, स्केलर या वेक्टर? वेक्टर, ठीक है, एक्सेलरेशन आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ थर्ड, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, टाइम पीरियड में कोई डायरेक्शन नहीं होती तो स्केलर, डिस्टेंस स्केलर, फोर्स वेक्टर, वेलोसिटी वर्क डन स्केलर। नाउ इन फिगर 10.6 फोर्थ क्वेश्चन, अ स्क्वायर, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर फर्स्ट कोइनिशियल, सो कोइनिशियल जो सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं कौन कौन, ए एंड डी, डी सी कहां बेटा, ए वेक्टर एंड डी वेक्टर, ये दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, क्लियर। सेकेंड, इक्वल वेक्टर डी और बी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है क्योंकि हमें स्क्वायर बोला हुआ है स्टार्टिंग में, क्लियर। तो साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल होती है और डी और बी की डायरेक्शन सेम है। देखो इक्वल तो वैसे यहाँ पे चारों साइड है बाय मैग्नीट्यूड, ठीक है, बट डायरेक्शन जिसमें सेम है उन्हीं को हम इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे, क्लियर। थर्ड पार्ट, कोलिनियर बट नॉट इक्वल ए एंड सी, क्योंकि ए और सी की डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, और इक्वल भी है मैग्नीट्यूड में, ठीक है, बट मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में इक्वल नहीं है, इसलिए हम नॉट इक्वल वेक्टर बोल रहे हैं, क्लियर हुई है बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स, ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर, बताओ ए और माइनस ए दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी ना, सेम होने का मतलब, कहने का मतलब क्या, डायरेक्शन सेम, कोलिनियर हम कब बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर, जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, चाहे वो इधर को जाए चाहे उधर को जाए उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पैरेलल होने चाहिए आपस में, तो वो पैरेलल होंगे ए और माइनस ए, तो वो आपके क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। नाउ सेकेंड, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, फॉल्स, जरूरी नहीं है कोलिनियर वेक्टर्स इक्वल हो मैग्नीट्यूड में, छोटे बड़े भी हो सकते हैं, कोलिनियर का मतलब क्या है कि सेम पैरेलल होने चाहिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, मतलब वहां पे इक्वल होना चाहिए, ठीक है। थर्ड, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, नहीं no. ये भी फॉल्स, जरूरी नहीं है, ठीक है, कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो वो कोलिनियर होंगे, जरूरी नहीं है, ठीक है। फोर्थ, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, नहीं ये भी फॉल्स बेटा, कोलिनियर वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में भी तो हो सकते हैं ना, अब ए और माइनस ए का मैग्नीट्यूड की अगर आप बात करोगे तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, कोलिनियर भी है, बट क्या ये इक्वल वेक्टर बोल सकते हो अभी, नहीं, नो, क्लियर, तो ये भी आपका फॉल्स है। नाउ अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो पहले तो इसको ज्योमेट्रिकली देखो, एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है बेटा, अब वेक्टर्स में आपको पता है क्या है, डायरेक्शंस है, ठीक है, तो सपोज ए वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर ऐसे है, क्लियर, अगर हमें बाय ज्योमेट्री इन दोनों को ऐड करना है तो बी वेक्टर को ऐसे अरेंज करो, देखो ये ए का क्या कहलाते हैं, टेल, और ये हेड, जिस तरफ एरो होता है उसको हेड बोलते हैं और जिस तरफ एंड पॉइंट होता है उसको टेल, ठीक है, तो आपको करना क्या है, दोनों वेक्टर को ऐसे अरेंज करना है कि पहले वाले का हेड दूसरे वाले के टेल से कनेक्ट करना है, क्लियर, तो बी वेक्टर को हमने ऐसे अरेंज कर दिया, अब पहले वाले की जो टेल है उससे एक लाइन बनानी है किसकी तरफ, दूसरे वाले के हेड की तरफ, तो ये जो लाइन बन गई ये आपका इनका रिजल्टेंट है, यानी इनका सम है, ए प्लस बी वेक्टर आपका ये है, क्लियर, और डायरेक्शन किस तरफ है, दूसरे वाले की हेड की तरफ, क्लियर, तो ज्योमेट्रिकली आप ऐसे एडिशन ऑफ वेक्टर कर सकते हो, ठीक है, ये तो हो गया ज्योमेट्रिकली। अब इसमें अगर जैसे आपको ए और बी के बीच का एंगल भी पूछते हैं तो वो क्या होते हैं, हमने देखो ध्यान से देखो, ए और बी के बीच का एंगल अगर पूछ रहे हैं तो वो क्या होगा, एक जहां जा रहा था उसको एक्सटेंड किया, ठीक है, ये जो बाहर एंगल बनेगा इसको हम थीटा बोलते हैं, क्लियर, ये तो हो गया एक आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दूसरा कौन सा होता है, पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ में आपको क्या करना है कि दोनों वेक्टर्स को ऐसे अरेंज करो कोई इनिशियल वेक्टर की तरह कि दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, क्लियर, ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया, अब एंगल कौन सा है आपका, ये,
ठीक है, जो अब इनके बीच में बन रहा है, अगर हम कोई नहीं उन्हें अरेंज कर रहे थे, वो वेक्टर को अरेंज करने के दो तरीके हैं, एक तो ये हमने क्या किया, जहां पहले का हेड है दूसरे का टेल वहां कनेक्ट किया, दूसरा मेथड क्या है, दोनों को इनिशियल स्टार्ट किया हमने सेम पॉइंट से, क्लियर, यानी दोनों की टेल को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, अब दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब इसमें आपका रिजल्टेंट क्या होगा, अब इसमें पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, यानी हमने इन दोनों वेक्टर्स के पैरेलल लाइन बना दी, क्लियर, अब इस जो पैरेललोग्राम का जो ये डायगोनल होगा, ये लॉन्गेस्ट वाला, क्लियर, वो हमारा रिजल्टेंट बनेगा ए प्लस बी। दोनों में आप देखोगे रिजल्टेंट सेम है, बस करने का मेथड अलग अलग है, क्लियर हो गया। अब अगर मैथमेटिकली हम बोलते हैं बेटा वेक्टर का सम, तो वो क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी का अगर हमें सम करना है तो मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अगर आपको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, ठीक है, और उनके बीच में एंगल पता है, तो क्लियर, तो इस तरीके से आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो कि ए प्लस बी का सम कितना आएगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, वो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। क्लियर हुआ, एडिशन ऑफ वेक्टर। नाउ अब अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करें, दूसरे वेक्टर का नेगेटिव बना दें और फिर ऐड कर दें, यानी अगर हमें दो वेक्टर्स के बीच में सब्ट्रैक्शन करना है तो दूसरे वाले का पहले नेगेटिव ऑफ वेक्टर बना दें और फिर उसको पहले वाले में ऐड कर दें, यानी अगर हमें a माइनस बी करना है तो हम क्या करें, a प्लस माइनस बी वेक्टर कर दें, यानी कि अगर आप इसी में देखें कि a वेक्टर हमारा ये था, b वेक्टर ये था, क्लियर, तो a वेक्टर हमारा ये हो गया, b वेक्टर ये था, तो माइनस बी क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट, सेम इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, और फिर आपका a माइनस बी ये बन जाएगा, क्लियर, ये बन रहा था a प्लस बी, ठीक है, तो a माइनस बी वेक्टर आपका ये बन जाएगा, क्लियर, बाकी सब्ट्रैक्शन का कोई अलग वे नहीं है, ठीक है। नाउ अब इसमें अगर आपको नेक्स्ट टॉपिक देखो, एक तो एडिटिव आइडेंटिटी, जीरो वेक्टर का मतलब क्या होगा बताओ, जीरो वेक्टर का मीनिंग क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, क्लियर, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या था, जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, यूनिटी हो, क्लियर, उसमें यूनिट वेक्टर बोला था हमने, जीरो वेक्टर का मतलब जिसका वेक्टर मैग्नीट्यूड जीरो हो, तो उसको ऐसे डिनोट करेंगे, बट अगर जीरो ही है तो उसका मैग्नीट्यूड तो जीरो ही है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है फिर उसकी, तो क्योंकि मैग्नीट्यूड है ही नहीं तो हम तो किसी भी डायरेक्शन में उसे बोल सकते हैं, क्या फर्क पड़ना है तो जीरो ही, क्लियर, बट फिर इसका यूज क्या है, फिर जीरो वेक्टर का बताओ, जीरो वेक्टर हम क्यों यूज कर रहे हैं फिर, जब उसकी कोई डायरेक्शन भी नहीं है, मैग्नीट्यूड भी नहीं है, क्यों बताओ, क्योंकि जब हम दो, जैसे आप पढ़ते हो रैशनल को, रैशनल के साथ ऐड किया तो क्या बनेगा, रैशनल बनेगा, इरेशनल को इरेशनल के साथ कर रहे हो तो इरेशनल ही सम बनेगा एडिशन में, वैसे वेक्टर को वेक्टर के साथ आप सॉल्व कर रहे हो तो वेक्टर ही दिखाना पड़ेगा चाहे वो जीरो ही क्यों नहीं हो, क्लियर, वेक्टर प्लस वेक्टर आप स्केलर नहीं शो कर सकते, ठीक है, तो उसके लिए आपको जीरो वेक्टर शो करना पड़ेगा। मान लो ए माइनस ए वेक्टर आप कर रहे हो तो क्या आएगा इसका आंसर, जीरो वेक्टर, ठीक है, तो जीरो यहां पर जीरो वेक्टर क्या है, एक तरीके से एडिटिव आइडेंटिटी है, जैसे मैथ्स में नॉर्मली पढ़ते हो आप, जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है नॉर्मल नंबर्स के लिए, वैसे जीरो वेक्टर एडिटिव आइडेंटिटी हो गई वेक्टर्स में, ठीक है, यानी ए प्लस जीरो करोगे तो क्या बनेगा, ए प्लस जीरो वेक्टर ए वेक्टर ही रहेगा, क्लियर हो गया। नाउ उसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, ठीक है, किसी वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, बाय स्केलर, कोई भी स्केलर नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर, तो क्या होगा, स्केलर क्या है, स्केलर का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो अब सपोज हमारे पास ए वेक्टर है,
इसको हमने मल्टीप्लाई करा दिया कोई भी लैम्डा नंबर से, तो क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, यानी लैम्डा ए वेक्टर बन जाएगा आपका। सपोज कोई भी वेक्टर है, हमने उसे 5 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो वो 5 टाइम्स हो जाएगा वेक्टर, ठीक है। डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि जो हमने मल्टीप्लाई किया वो स्केलर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर, तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, क्लियर। तो इस तरीके से आप किसी भी मतलब स्केलर से मल्टीप्लाई करा सकते हो। नाउ यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जा सकता है बताओ, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर को डिनोट किससे करते हैं, ए कैप से, मतलब जो भी वेक्टर होगा कैप लगा देंगे उसके ऊपर, क्लियर। ए हम नॉर्मली मान रहे, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करना है, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड क्लियर है कैसे निकालना है, ए आपका एक्स वाई जेड की फॉर्म में होगा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो भी उनकी वैल्यूज है उनको सॉल्व करके आपका मैग्नीट्यूड निकलेगा, और ऊपर आपको नॉर्मल वेक्टर रखना है, तो जो मैग्नीट्यूड है उसको तीनों को अलग अलग उससे डिवाइड करवाना है मैग्नीट्यूड से, ठीक है। तो आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, पहले ही बताया क्या, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होगा, वो सिर्फ डायरेक्शन शो करने के लिए यूज किया जाता है यूनिट वेक्टर, ठीक है। नाउ उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स बताई दी हुई चीज आपके, क्या क्या हो जाएंगे, एक्स एक्स एक्सिस में हम यूज कर रहे हैं एक्स आई कैप, मतलब ए वेक्टर को हम क्या लिख रहे हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, ये उसके कंपोनेंट हो गए। कंपोनेंट मींस मतलब ब्रेक डाउन करना, तो वेक्टर को हमने तीन फॉर्म में ब्रेक डाउन कर दिया, मतलब जितने भी एक्सेस हैं उस बेसिस पे। अगर सपोज हम इसको दो ही कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करना चाहते हैं तो हमारा जेड एक्सेस नहीं आएगा, फिर एक्स आई प्लस वाई जे रहेगा, तो वो दो एक्सेस में ब्रेक डाउन होगा, क्लियर। अगर जेड है तीन एक्सेस में हो रहा है तो जेड भी आएगा फिर आपका, ये क्लियर। नाउ अब अगर आपको ऐसे दिया हुआ है, देखो ध्यान से पेज नंबर 434 पे, आपको दो वेक्टर्स, ए वेक्टर ये दिया हुआ है एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप, और एक वेक्टर दिया हुआ है सपोज बी वेक्टर एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप। अब ए प्लस बी वेक्टर निकालना है तो अब क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऐड करेंगे, एक्स वालों को एक्स से, वाई वालों को वाई से, और जेड वालों को जेड से, और उनके पीछे आई जे के कैप यूज करेंगे, यानी एक्स वन प्लस एक्स टू आई कैप प्लस वाई वन प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड वन प्लस जेड टू के कैप, क्लियर। आगे समझ में, नॉर्मल एडिशन फॉलो करेंगे और कुछ नहीं इसमें। नाउ सब्ट्रैक्शन करना है तो अगेन वही x1 माइनस x2 कर देंगे, y2 y1 माइनस y2, z1 माइनस z2, ठीक है। नाउ a और b वेक्टर इक्वल कब होंगे, अब ये दोनों वेक्टर इक्वल हम कब बोल सकते हैं, जब इसमें तीनों इक्वल हो, यानी x1 की वैल्यू x2 के बराबर हो, y1 की वैल्यू y2 के बराबर हो, z1 की वैल्यू z2 के बराबर हो। अगर आप कंपोनेंट वाइज देख रहे हो वेक्टर्स को इक्वल, तो कब इक्वल बोलोगे, जब तीनों की वैल्यू एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू दूसरे वाले एक्स वाई जेड से इक्वल होगी, तो ठीक है। एक भी अगर डिफरेंट है तो वो इक्वल नहीं होगा, तीनों ही इक्वल चाहिए आपको, क्लियर। नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय एनी स्केलर बता दिया, अगर हमें सपोज इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं लैम्डा से, तो तीनों ही लैम्डा से मल्टीप्लाई होंगे, क्लियर। जैसे मैट्रिसेस में हम मल्टीप्लाई कराते थे तो पूरी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कराना पड़ता है, तो वही चीज यहां पर भी, यानी तीनों एक्सेस में वो थ्री टाइम्स हो गया, ठीक है। जो भी आप नंबर मल्टीप्लाई करा रहे हो, थ्री से मल्टीप्लाई करा रहे हो तो सारे थ्री टाइम्स हो जाएंगे, फाइव से करा रहे हो सारे फाइव टाइम्स हो जाएंगे, माइनस से भी करा रहे हो तो सारे माइनस हो जाएंगे, तो नेगेटिव बन जाएगा उसका, क्लियर। नाउ उसके बाद बेटा एग्जाम्पल फोर देखो, अब एग्जाम्पल फोर में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड सो दैट द वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है जिसमें आपके वेक्टर्स क्या हो जाएं, इक्वल। तो बताओ क्या क्या होंगी, एक्स की वैल्यू टू, वाई की टू और जेड की वन। कंपेयर करेंगे बेटा, देखो
ए में x की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, x, और b में 2, तो ये इक्वल है, इक्वल हमें गिवन ही है, तो ये वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए, x की x से, y की y से और z की z से, तो उस बेसिस पे x, y, z तीनों की वैल्यू हमने निकाल ली। क्लियर? नाउ एग्जांपल 5 देखो, a और b दोनों वेक्टर आपको दिए हुए हैं। अब आपको पूछ रहे हैं क्या a का मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड का साइन है बेटा, देखो मॉडुलस में, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ b है, चेक करो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या है a में 1, y की वैल्यू क्या है 2, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 5, रूट 5 आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a। इसी तरह b का मैग्नीट्यूड भी रूट 5 आएगा, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, इनका इक्वल है, बट क्या आर द वेक्टर्स a एंड b भी इक्वल होंगे? नो, क्योंकि a में जो x की वैल्यू है वो b में y x की वैल्यू नहीं है, डिफरेंट है। क्लियर? वहां पे 1 है, यहां पे 2 है, और y की वैल्यू भी ऐसी अगर आप देखोगे तो वहां पे 2 है, यहां पे 1 है, कोई एक भी वैल्यू ऐसे डिफरेंट है तो वो इक्वल नहीं होगा, सिंपल। क्लियर? तो अब इसमें मेन चीज आपने देखी कि मैग्नीट्यूड इक्वल होने से जरूरी नहीं है कि वेक्टर्स इक्वल होंगे, आई समझ में, जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। नाउ एग्जांपल 6 में फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, यानी आपको उसी डायरेक्शन में निकालना है, तो यूनिट वेक्टर निकालना है तो आपको क्या करना है, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे पहले हम, तो मैग्नीट्यूड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि तीन कॉम्पोनेंट में डिवाइड हो रहा है, तो अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर किया, कितना आ जाएगा रूट 14। अब क्या किया यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, यानी कि रूट 14 से पूरे वेक्टर को डिवाइड कर दिया और सेपरेट करके लिख दिया। क्लियर? यूनिट वेक्टर। नाउ एग्जांपल 7, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस दैट हैज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। अब हमें एक नया वेक्टर बनाना है जो इसी की डायरेक्शन में है, क्लियर, और उसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसकी डायरेक्शन निकालेंगे। अब डायरेक्शन का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर निकालना है, अगर आपको किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है इट मींस उसका यूनिट वेक्टर निकालना है। क्लियर? तो यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे पहले हम। अब हमें एक नया वेक्टर बनाना है जिसकी डायरेक्शन तो यही है जो हमारे पास आ गई, मैग्नीट्यूड 7 करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे डायरेक्शन को, तो आपका नया वेक्टर बन जाएगा, नीचे देख लो ध्यान से, वही दिया हुआ है। क्लियर? आगे समझ में। एग्जाम्पल 8, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस। अब हमें यूनिट वेक्टर बताना है किसमें, इनकी सम की डायरेक्शन में, तो पहले हमने इन दोनों का सम किया, a प्लस बी निकाला, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकाला, तो हमें डायरेक्शन मिल गई उसकी। क्लियर? उसको हमने c से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है? नाउ एग्जाम्पल 9 में डायरेक्शन रेशियोज निकालनी है और फिर डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो डायरेक्शन रेशियोज का मतलब क्या है आपका, एल एम और एन की वैल्यूज, ठीक है, एल की वैल्यूज क्या बताइए, देखो ए अपॉन मतलब एक्स अपॉन आर, आर मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकाला पहले हमने, ठीक है, ए हमारा 1 हो गया, बी 1 हो गया, सी माइनस 2 हो गया, मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, ठीक है, और फिर एलएमएन आपके क्या हो गए, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस को ही हम डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। उसके बाद डायरेक्शन कोसाइंस आपके फिर फर्दर हमने देखो ब्रैकेट में करके लिख दिया पॉइंट वाइज, 1 अपॉन रूट 6, 1 अपॉन रूट 6 एंड माइनस 2 अपॉन रूट 6। क्लियर यहां तक एग्जाम्पल 9 तक? यस।